बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेरा ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक, जिसे मैंने बहुत इजी वे में आप सभी के साथ शेयर किया है। और गाइस ये सिर्फ मैंने आई मेकअप लुक आप सभी के साथ शेयर नहीं किया, यहाँ पर मैंने पूरा अपना मेकअप का ट्यूटोरियल भी शेयर किया है। और गाइस ये जो ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक है, आप कोई भी आउटफिट पहन लो, ये स्मोकी लुक आपके हर आउटफिट में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ज्यादा सूट करेगा। और गाइस अगर आपको आई शेडो लगाना नहीं आता है सो आप सिर्फ यही आई शेडो ही प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपके किसी भी आउटफिट में बहुत ही ज्यादा सूट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और गाइज इस टाइप के आई मेकअप लुक हर किसी को पसंद होते हैं, हर कोई इस टाइप के आई शेडो ट्राई करता है। सो गाइज इस वीडियो में मैंने बहुत इजी वे में आप सभी के साथ ये अपना आई मेकअप लुक शेयर किया है, प्लस यहाँ पर मैंने पूरा अपना मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर किया है। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आपको वीडियो पसंद आएगा। सो गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे, बट उससे भी पहले यहाँ पर मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी। सो गाइज आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पर मैं डार्क ग्रे कलर का आई शेडो ले रही हूँ, और आपके पास में भी जो भी आई शेडो डार्क कलर का आई शेडो है सो आप उससे अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं। और गाइज आईब्रो फिल करने के लिए जिस ब्रश का मैं यूज कर रही हूँ वो पूना स्टोर का है, एंड सारे ब्रशेस जो भी मैं अपने मेकअप में यूज करूंगी वो पूना स्टोर के है। सो ब्रशेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइज देन यहाँ पर हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने आई लिड में कंसीलर अप्लाई करूंगी, और कंसीलर से ही आईब्रो को अच्छी तरीके से शेप दे दूंगी, ताकि आईब्रो बहुत ज्यादा शार्प दिखे और बहुत ज्यादा हाईलाइट हो पूरे फेस में। ओके सो यहाँ पर मैंने कंसीलर कवर स्टूडियो का यूज किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर आप कंसीलर लगाने के बाद उसे अच्छी तरीके से सेट करें, ताकि वो बिल्कुल भी केकी ना लगे। सो सेट करने के लिए यहाँ पर आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे सेट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर हमारी आईज बिल्कुल रेडी हो गई है अब आई शेडो के लिए, और आई शेडो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन कलर से। सो गाइज यहाँ पर हम ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बहुत ज्यादा जो लाइट कलर का आई शेडो होता है हम वो यूज करेंगे। सो यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो मैं लूंगी, और एक फ्लफी ब्रश यहाँ पर मैं यूज करूंगी, और आप भी फ्लफी ब्रश से ही यूज करें आई शेडो जो भी हम ट्रांजिशन के लिए यूज करेंगे, ताकि ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से हो। देन गाइज यहाँ पर मैं उससे थोड़ा डार्क कलर का आई शेडो लूंगी, और यहाँ पर पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं बिल्कुल जो क्रीज लाइन है सिर्फ उसी में ही फोकस करूंगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल ब्रश लिया है, सो सिर्फ जहां जहां मुझे आई शेडो की नीड है, मतलब जहां जहां मुझे आई शेडो लगाना है बस वहीं पर ही लग रहा है, उससे ना बिल्कुल ट्रांजिशन शेड में जा रहा है ना बिल्कुल आई लिड में जा रहा है, बिल्कुल सिर्फ हमें क्रीज लाइन में चाहिए सो क्रीज में ही आ रहा है। देन गाइज आपको फ्लफी ब्रश लेना है, क्लीन ब्रश लेना है, देन इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी केकी ना लगे और बिल्कुल भी हार्श लाइन इसमें बिल्कुल ना लगे, इसलिए अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। क्योंकि गाइज ब्लेंडिंग प्रॉपर होंगी सो आई शेडो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहे कोई भी आई शेडो लगा लो, अगर उसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी सो आई शेडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर हम डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेंगे। सो क्योंकि हम यहाँ पर ब्राउन स्मोकी आई शेडो क्रिएट कर रहे हैं, सो डार्क कलर का ब्राउन आई शेडो लेना है आपको। यहाँ पर आपके आई शेडो पैलेट में जो भी इस टाइप का आई शेडो है आप वो ले सकते हो। इस आई शेडो को आपको आपकी पूरी आई लिड में अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। गाइज यहाँ पर हम ब्राउन स्मोकी आई शेडो क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है। अगर आप यहाँ पर ब्लैक स्मोकी आई शेडो क्रिएट करेंगे सो यहाँ पर आप ब्लैक कलर का भी ले सकते हो। सो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने डार्क कलर का लिया है, देन यहाँ पर मैंने उससे लाइट कलर का आई शेडो यहाँ पर लिया है, जो कि हम आई शेडो को ब्लेंड करते टाइम सिर्फ अपनी क्रीज लाइन में ही अप्लाई करेंगे। सो गाइज जैसे कि मैंने कहा कि आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सो आप आराम से करें, एक्स्ट्रा का टाइम ले, बट आप ब्लेंडिंग प्रॉपर करिए, जिससे आई शेडो बहुत ज्यादा अच्छा लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमने आई शेडो लगा के बस छोड़ दिया है, उसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया है। क्योंकि गाइज आई लुक जो होता है हमारा पूरे फेस में हाईलाइट होता है, सो आईज यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा प्यारी लगनी चाहिए। देन गाइज यहाँ पर हम आईज को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर हम लाइनर ड्रॉ करेंगे। सो लाइनर यहाँ पर मैं विंग ड्रॉ नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं सिर्फ कॉर्नर तक लाकर ही यहाँ पर मैं लाइनर को छोड़ दूंगी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आप मोटा भी लगा सकते हो, क्योंकि
यहाँ पर हमको लैशेस अप्लाई करना है. सो लैश कर्ल यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी क्योंकि लैशेस लगाने के पहले यहाँ पर लैश को कर्ल करना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब भी हम लैशेस अप्लाई करते हैं सो हमारी जो ओरिजिनल आई लैशेस होती है वो बिल्कुल भी मर्ज नहीं होती है. सो यहाँ पर आप लैशेस लगाने के पहले अपने ओरिजिनल लैशेस को कर्ल कर ले. सो गाइज फाइनली मैंने लैशेस अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी मेरी ओरिजिनल और फेक लैशेस को मर्ज करने के लिए. गाइज यहाँ पर आप लैशेस अप्लाई करने के पहले भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइज यहाँ पर मैं लाइनर ड्रॉ कर लूंगी. देन गाइज यहाँ पर मैं जो वेट वाइप्स होती है उससे अपने पूरे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी. जो भी आई शेडो का फॉल आउट हुआ हो वो क्लीन हो जाएगा. देन गाइज यहाँ पर मैं अच्छा सा मॉइस्चराइजर लूंगी अपने फेस में अप्लाई करने के लिए. सो गाइज यहाँ पर मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ले रही हूँ बट आप यहाँ पर आपके स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर ले सकते हैं. सो गाइज यहाँ पर मेरा मॉइस्चराइज हो चुका है फेस. देन गाइज यहाँ पर मैं फेशियल ऑयल लूंगी गुड वाइब्स का जो कि अर्गन फेशियल ऑयल विद 24K गोल्ड है. इससे मैंने एक एक ड्रॉप अपने फेस में लिया. देन इसे अच्छी तरीके से मैं मसाज दूंगी ताकि मेरे फेस में वो एब्जॉर्ब हो जाए. अगर आपकी ऑयली स्किन है सो आप इसे अवॉइड कर सकते हो. देन गाइज यहाँ पर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. सो गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप कर रही हूँ. सो यहाँ पर मैं हाइलाइटर प्लस प्राइमर अप्लाई करूंगी. मतलब दोनों को साथ में एक साथ लूंगी मिक्स करके. देन अपने फेस में फिंगर टिप से अप्लाई करूंगी. एंड आप भी जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें सो इसी टाइप में इसी मेथड में अप्लाई करें ताकि जो पूरा फेस है वो जब हम ब्लेंड करें ब्यूटी ब्लेंडर से तो पूरा फेस हमारा अच्छा लगे और ब्लेंड दिखे. सो गाइज यहाँ पर मैंने ड्राई फाउंडेशन लिया है. देन उसमें यहाँ पर मैंने हाइलाइटर प्लस प्राइमर अप्लाई किया है जिससे मेरा फेस बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लगेगा और थोड़ा सा यहाँ पर मॉइस्चराइज भी लगेगा मेरा फेस. सो गाइज यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया. देन मैंने ब्रश से पहले पूरा ब्लेंड कर लिया है. देन गाइज आपको मैं यहाँ थोड़ी भूत लग रही होंगी बट ये ब्लेंड होने के बाद प्रॉपर ब्लेंड होने के बाद ये पूरा फेस सेट होने के बाद ये काफी नेचुरल लगेगा. सो गाइज जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा हैवी मेकअप कर रहे हैं. सो यहाँ पर मैं एक शेड डार्क लूंगी फिटमी का फाउंडेशन लूंगी जिसका शेड है 228. सो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने जो चिक है वहां पर यूज करूंगी. देन यहाँ पर थोड़ा फोरहेड में देन थोड़ा नोज में देन थोड़ा सा चिन में यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी और सिर्फ इतने ही एरिया में मैं अप्लाई करूंगी और ब्लेंड भी करूंगी. सो सिर्फ इतने एरिया में ही करूंगी और पूरे फेस में नहीं अप्लाई करूंगी. देन गाइज यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी और कई लोग सोचेंगे कि इतना सारा फाउंडेशन लगाने के बाद भी मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. सो गाइज यहाँ पर कंसीलर मैं बहुत कम लगा रही हूँ जैसे कि आप देखोगे आईज के कॉर्नर में और आईज के आउटर में यहीं पे लगा रही हूँ मैं बस. और गाइज यहाँ पर अंडर आई को हाईलाइट दिखाने के लिए यहाँ पर कंसीलर अप्लाई करना है. चाहे आपको डार्क सर्कल हो या ना हो आपको थोड़ा तो भी कंसीलर यहाँ पर लगाना पड़ता है. सो कंसीलर के बाद आप जैसे देखोगे सो अंडर आई बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है. देन गाइज उसे सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि बिल्कुल भी वो केकी ना लगे और बिल्कुल भी अंडर आई में क्रैक्स ना पड़े. सो जहां जहां मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहां वहां मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया है और सेम ब्रश को मैंने पूरे फेस में घुमा लिया है ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो भी अच्छी तरीके से हो जाए. देन गाइज यहाँ पर मैं कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पहले मैं क्रीमी कॉन्टोर अप्लाई करूंगी. सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बता सकती हूँ कि आपका जो कॉन्टोर है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट अगर आपको दिखाना है अगर आप पाउडर कॉन्टोर करते हो सो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं दिखता है. आपका कॉन्टोर करने के बाद में भी कॉन्टोर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. सो आप पाउडर कॉन्टोर करने के पहले आप क्रीमी कॉन्टोर अप्लाई कर लो अपने फेस में. यहाँ पर मैं ब्लश के लिए जो बुलेट लिपस्टिक होती है वो अप्लाई कर रही हूँ. सो यहाँ पर हमने कॉन्टर और जो ब्लश है वो क्रीमी यूज किया है और जहां जहां ब्लश हमें लगाना है वहां हमने लगा लिया है और जो कॉन्टर किया है वहां पर भी हमने कॉन्टर कर लिया है. देन इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है और आपको बहुत ज्यादा इसे ड्रैग नहीं करना है बिल्कुल भी. इसे सिर्फ टैपिंग मोशन में ही करना है. सो गाइज ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है. अगर आप पाउडर कॉन्टर और पाउडर ब्लश यूज करते हैं और वो बिल्कुल भी आपके फेस में
में दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली काफी लोगों ने मुझे बताया है कि जब मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ सो बिल्कुल भी कैमरे में दिखाई नहीं पड़ता है। सो ये टेक्निक मैंने अप्लाई किया है और इससे मुझे काफी ज्यादा मतलब अच्छा लगा है और फेस में काफी उठ के दिखता है ब्लश और कॉन्टोर। सो देन गाइज यहाँ पर मैं जो कॉन्टोर है पाउडर कॉन्टोर है वो कर रही हूँ और जहां जहां मैंने क्रीमी कॉन्टोर अप्लाई किया है वहां पर मैं पाउडर कॉन्टोर अप्लाई करूंगी। देन गाइज यहाँ पर मैं पाउडर जो ब्लश होता है वो अप्लाई करूंगी। सो गाइज आप देखोगे कि जो कॉन्टोर और ब्लश है हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। सो गाइज आप भी इस टेक्निक को जरूर अप्लाई करें। बस जब आप क्रीमी कॉन्टोर और ब्लश अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, अदरवाइज वो आपको थोड़ा सा पैची पैची भी लग सकता है। देन गाइज अब हम लोअर लैश लाइन में आई शेडो अप्लाई करेंगे जो हमने अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई किया था। अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड करना है। एंड गाइज मैंने इस टाइप का फ्लैट ब्रश लिया है जिससे आई शेडो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा और जहाँ हमें आई शेडो लगाना है बस वहीं पर ही लगेगा। इसके बाद मैं इस टाइप का आई शेडो लूंगी और इसके जस्ट नीचे पे ही पेंसिल ब्रश की हेल्प से दोनों आई शेडो को मर्ज करते हुए आई शेडो को स्प्रेड करूंगी और थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी ताकि वो बिल्कुल स्मोकी टाइप लुक आए। गाइज आप कोई भी आई शेडो क्रिएट करो सो अपनी लोअर लैश लाइन को बिल्कुल ना भूले। लोअर लैश लाइन में आई शेडो नहीं लगाते हो सो आईज बिल्कुल भी अधूरी लगती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो आईज को कम्प्लीट दिखाने के लिए आप लोअर लैश लाइन में बिल्कुल आप आई शेडो लगाइए। देन गाइज यहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर मैंने पहले अप्लाई नहीं की थी सो अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। गाइज हाइलाइटर लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो फेस है वो पूरा मैट ना लगे, थोड़ा सा शाइन लगे। जब हमारे फेस में लाइट पड़ती है तो फेस ग्लो करता है हाइलाइटर लगाने से। इसके बाद मैं लोअर लैशेस में मस्कारा अप्लाई करूंगी और मस्कारा की आपको एक ही कोडिंग करना है, आप दो कोडिंग करोगे सो लैशेस बहुत ज्यादा हैवी लगने लगती है। देन गाइज यहाँ पर लिपस्टिक की बारी है सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिप लाइनर अप्लाई कर लूंगी ताकि जब हम लिपस्टिक अप्लाई करें सो वो शेप में दिखे। और गाइज लिपस्टिक जब भी आप लगाते हो सो लिप लाइनर आप लगा लिया करो ताकि लिक्विड लिपस्टिक लगाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे। गाइज यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का स्मोकी आई लुक की हूँ तो यहाँ पर लिपस्टिक भी मैं हल्की सी ब्राउन रखूंगी। गाइज इस लुक का मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि गाइज इसमें मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आप सभी के साथ शेयर करी हूँ जिसे मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती थी कि सारी चीज को कैसे यूज करना है। मतलब छोटी छोटी चीजें जिस किसी को नहीं पता है, टेक्निक नहीं पता है मेकअप की, उन सभी के साथ मैं ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ ताकि उनको काफी अच्छी तरीके से समझ आए। इसलिए गाइज मैं धीरे धीरे वीडियो को चलने दे रही हूँ और सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज अब मैंने जो भी मेकअप किया है उसे सेट करने के लिए यहाँ पर मैं मेकअप फिक्सर यूज करूंगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसे टैपिंग मोशन में करूंगी ताकि जो भी हमने स्प्रे किया है वो आपके पूरे फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। फेस को सेट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लश अप्लाई करूंगी और यहाँ पर मैं कॉन्टोर की मुझे नीड नहीं है सो मैं कॉन्टोर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करूंगी मैं अपने इनर कॉर्नर्स में, आईज की जो इनर कॉर्नर्स है वहां पर अगर आप हाइलाइटर अप्लाई करेंगे सो गाइज आईज बहुत ज्यादा उठ के दिखती है। सो आप देख सकते हैं आईज कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। सो आप भी आईज के कॉर्नर में हाइलाइटर जरूर अप्लाई करें आईज को एनहांस करने के लिए। देन गाइज यहाँ पर मैं पिंक कलर की लिपस्टिक अपने जो लिप्स का मिडल है उसमें अप्लाई करूंगी और फिंगर टिप्स की हेल्प से सिर्फ मिडल में ही टैपिंग मोशन में करूंगी। सो आप देख सकते हैं लिप्स कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। गाइज यहाँ पर मुझे आईज मेरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही थी सो यहाँ पर मैंने काजल ड्रॉ किया है। सो आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हो कि आईज जो काजल लगी है वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है और कम्प्लीट लग रही है। सो गाइज यही पर हमारा ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक है वो कम्प्लीट होता है। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज कि मेरा वीडियो पूरा एक हफ्ते बाद अपलोड किया है मैंने क्योंकि गाइज मेरी नानी एक्सपायर होने की वजह से मैंने 1 वीक तक के ना ही कोई वीडियो अपलोड किया ना ही कोई पोस्ट किया है इंस्टा में क्योंकि वो सही समय नहीं था। सो अभी मैंने ये वीडियो अपलोड किया है सो वीडियो लेट होने के लिए आई एम रियली सॉरी गाइज।
तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से मैंने अपना पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया है। स्पेशली मैंने आप सभी के साथ अपना ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक शेयर किया है, जो कि हर किसी का फेवरेट होता है और मेरा खुद पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि गाइस ये हर आउटफिट में बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं हम। हर किसी आउटफिट में हम इस तरह का आई शेडो लुक क्रिएट कर ले तो आईज बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। सो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।